एवरीवन, आज हम पेपर मैशी के लिए बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता है न्यूज़पेपर, एक बाउल, वाटर, फेविकॉल, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ हम अब एक बाउल लेंगे। हमने जो अपना न्यूज़पेपर लिया है, हम इसके छोटे छोटे पीसीज इसके अंदर करेंगे और डालेंगे। इसी प्रकार हमें अपने पूरे न्यूज़पेपर के छोटे पीसेस करके बाउल के अंदर डालने हैं। अभी हम अपने पीसेस कर लिए हैं, अब हम इसे अपने वाटर से फिल कर देंगे और ओवरनाइट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ओवरनाइट रखने के बाद हमारा ये पेपर कुछ इस तरह से हो गया है। अभी हम इसे पीसेंगे। पीसने के लिए मैं यहाँ हैंड ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। यहाँ यह हमारा पेपर पीसकर तैयार है। अब हम इसके अंदर, आप देखेंगे जब आप इसे पीसेंगे तो इसके अंदर कुछ एक्सेस वाटर है, इसे हम हाथों से प्रेस करके पूरा वाटर निकाल देंगे। निकालकर हम इसे साइड में रख लेंगे। इसी प्रकार हमें अपने सारे पेपर का एक्सेस वाटर निकालकर रखना है। अभी हमने यहाँ पेपर को प्रेस करके सारा वाटर निकाल दिया और इस प्रकार मैंने अपने सारे पेपर के रोल बना लिए हैं। मैं आपको एक छोटे पार्ट से क्ले बनाकर बता रही हूँ। इसको हम इस प्रकार अलग अलग कर देंगे। अभी मैं इसके अंदर पीओपी एक स्पून मिला रही हूँ और फेविकॉल यूज कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद हम इसे आटे की तरह गूथना है जिससे एक सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो जाए। जब आप इसे गूथना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा ड्राई लगता है। आप इसके अंदर थोड़ा पीओपी और फेविकॉल और मिक्स कर दें। पानी इसमें हमें नहीं डालना है, अदरवाइज ये हमारा डो खराब हो जाएगा। डो बनने के बाद हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा क्ले बनकर, पेपर मैशी क्ले बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। ये डो की शेप में आ गया है। क्ले तैयार होने के बाद हम इससे म्यूरल, क्ले आर्ट, लिपन आर्ट, हम कुछ भी बना सकते हैं। ये सॉफ्ट, जिस प्रकार हम आटा बनाते हैं उसी प्रकार हमारा डो बनकर तैयार है। अभी मैं आपको इससे एक फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ। अगर ये आपके हाथ पर थोड़ा स्टिकी होता है तो आप इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल हथेली पर लेकर या कोई भी रिफाइंड ऑयल लेकर आप अपने हाथ पर लगा सकते हैं, इससे ये स्टिकी नहीं होगा। यहाँ मैंने एक छोटा सर्किल लिया क्ले का, उसके बाद मैंने उसे फिंगर से शेप देते हुए ट्रायंगल शेप में बनाया है। आप अपने मनपसंद से कोई भी शेप अपनी क्ले को दे सकते हैं। ड्राई होने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा। ड्राई होने के बाद में आप इस पर एक्रेलिक कलर वगैरह जो आप करना चाहे आप कर सकते हैं।
ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। आप ऐसे कोई भी अपनी क्ले से किसी भी तरीके की शेप दे सकते हैं।